सिलेंडर चलाया तो इतनी ज्यादा तेज आग फैली और इतनी जोर का धमाका हुआ, मतलब मेरा हल्की आग भी लगी। नीचे से आग लग रही है। कहाँ? सिलेंडर के नीचे। चाय बनाते बनाते सिलेंडर को भी आग लगी। डर लग रहा है। ये क्या फिर से आग लगी? कैसे आप? हम ना लंच बना लिया मैंने आपका। बच्चे जो है ना स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और नीचे सारे कपड़े गिरा दिए और ज़ैनब भी जो है ना वो अभी शूज़ वगैरह पहन रही है। ये ना उसको दे, ज़ैनब का लंच है। आ जाओ ज़ैनब का की कर दो। वालेकुम अस्सलाम। ये लेकर चलो ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे जो है ना नाश्ता करके चले गए, बर्तन जो है ना सारे इकट्ठे करके रख देती हूँ, फिर ज़ैनब को भी स्कूल छोड़ के आना है। क्या करने गई थी नीचे? मुंह धोने गई थी। तोलिए कर। विशाल सोए हुई है? जी। शूज़ पहन लो जल्दी। आपने शूज़ दोबारा से उतार दिए। अस्सलामुअलैकुम। चले चलो। शाल भी उठ गई तब जो जाओ ज़ैनब को स्कूल छोड़ने। चलो बच्चे तो सब स्कूल चले गए तब जो है ना ये सारे बिस्तरे वगैरह पहले उठा लूँ। सारे बिस्तरे जो ना जमा कर लें इधर तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालती हूँ शीशे के ऊपर। इशाल भी उठ के आ गई है। इशाल आप आटा फ्रिज में से आटा लाना। देख इशाल आटा ले आई है। जी। नीचे रखो। भूख लगी है? जी। नाश्ता बना के दूँ? आज इशाल अकेली है। जी। इधर तो देखो क्या खाना है? पराठा। पराठा खाना है? जल्दी बनाए। आती हूँ मैं अपनी बेटे के लिए जल्दी जल्दी खाना नाश्ता बना लूँ। जी। पापा उठ गए? जी। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा जी नीचे से आग लग रही है। कहाँ? सिलेंडर के नीचे। सिलेंडर के नीचे से आग लग रही है? आपको कैसे पता चला? भी सिलेंडर खराब है ना इसलिए नीचे से आग लग रही है। मुझे ज्यादा की वाली। ज्यादा की वाली? तुम आपको अभी दो। ये लो भाई बिस्मिल्लाह। इशाल इधर करो। चलो खा लो। आज तो इशाल अकेली नाश्ता कर रही है। और चाहिए कुछ? पानी चाहिए अभी देती हूँ। सही बना पराठा? बहुत मजेदार। आपकी पानी तो खराब हो रही है। अच्छा सही कर लेना नाश्ता करके। जब आप स्कूल जाओगी तो फिर वहाँ पे लंच करोगी? जी। के घर आके? वहाँ पे भी। आपका स्कूल बिठा दूँ? जी। इशाल जी लो पानी। बच हो गई है अभी तो आप करती मैं और खानी। इशाल नीचे पापा को ना कपड़े देख के आओ। अच्छी तरह पकड़ना गिरना नहीं है आपने। अच्छा पापा को सालन देख के हो फिर आप ये लो ये भी दे। अच्छी तरह पकड़ना। शूज नहीं पहन के गई? नहीं। चलो उधर रखो नीचे रखो हाथ गंदे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। चल चुप करो कुछ नहीं हुआ। चाय बनाते बनाते सिलेंडर को भी आग लग। ये वाला चूल्हा लगाने लगी है। ये वाला कैसे लगेगा अब? इसमें से आग सही निकलेगी?
इसने ऊपर से चूड़ी खराब हो गई है। कितनी देर में लगेगा? ये पैप उतार देना इसका इधर से। आप ना खोलना, अच्छा आप ना खोलना, अभी तो पाइप नहीं लगाया गैस का, तो ये वाला पाइप ही उतर नहीं रहा था, बहुत हार्ड हुआ हुआ है सर्दी की वजह से। ओए इसको खुद ही रखूंगी मैं, ना इसको खुद ही रखूंगी। ये माचिस कहाँ? अब जल जाए, ध्यान से इशाल, माचिस डर लग रहा है। माचिस दे, माचिस खुद ही रखूंगी। अभी पहले आग जल जाए फिर इसको बचाए रखते हैं ना, अभी डर लग रहा है मुझे ना। आग जल गई है, जल नहीं रही, इसके ऊपर ये रखूंगी फिर जलेगी। ये क्या फिर से आग लगी? चाय जो है ना वो बना ली है, और आज फर्स्ट टाइम जो है ना चूल्हे पे चाय बनाई है। शाल छोड़ो, शाल भी साथ साथ चाय बना रही है ना। सही बनी है चूल्हे पे चाय? बहुत जबरदस्त। पापा आपको नहीं उठा रहे, आप इसको बिठा दो ना ऊपर। तो बर्तन भी जो है ना मैं सारे धो लिए, तो बस अब जो है ना सफाई कर लेती हूँ। आटा भी गूंद लिया, ये तो ये सारी सफाई मैंने कर ली और बोचा भी लगा लिया, तो लाइट जो है ना हमारी चली गई है। जैनब भी आ गई स्कूल से, शाल जैनब को देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम, टीचर ने कहा कुछ? नहीं। इस पे जो है ना रोटी जल भी नहीं रही। ये कहाँ से आया? ये आपके पापा लाए हैं। आग बहुत तेज है। विशाल आप क्या देख रही हो भाई? बच्चे। बच्चे है भाई? मिठू मिठू आपको ठंड तो नहीं लग रही? आमना जो है ना इधर बैठ के सबक याद कर रही है, क्या हुआ है? आमना क्या हुआ? जैनब ये दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है ऊपर जी ठंड में? ठंड नहीं लग रही? लग रही है। तो फिर शाल को भी ठंड लग रही होगी। शाल आपको ठंड लग रही है? कपड़े ले जा। कपड़े ना भी गीले हैं। थोड़े से, थोड़े से। अजान हो रही है, चुप जाओ। टोपी पहनो पीछे से। थोड़े से। अच्छा। मुझे आसमानों पर चीले फिर लिया। विशाल विशाल आ जाओ, ऊपर बहुत ठंड है। अच्छा चलो ट्रॉफी तो पहनो। मिठू ये लो अमरूद, ये लो। डर क्यों रहे हो? लो ये लो, ये ले लिया। ऊपर बैठ के खाओगे? चलो खा लो फिर। और आप तो अमरूद नहीं ना खाते, आप आराम से खा लो, मैं जा रही हूँ। डर रहे हो ना, नीचे गिरा दिया। ये नहीं किरण, आप इधर लेट के पढ़ रही हो, उठ के पढ़ो बैठ के जी। तो इकरा जो है ना नमाज पढ़ रही है मगरिब की, क्योंकि भूख लग रही है। प्याज और अदरक लहसुन और टमाटर वगैरह ग्राइंड कर लिए, क्योंकि आज है ना प्रेशर कुकर में ही मैं ये बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, उस प्रेशर कुकर जो है ना वो बंद कर देती हूँ, उसके बाद आलू वगैरह डालूंगी। ओहो विशाल ऐसे गिरोगी, आराम से बैठ के खेल लो। बर्तन काले होते हैं इससे, ये देखो काला हो रहा है सारा प्रेशर कुकर, लाइट में जाने वाली है। सारे मसाले डाल दिए प्रेशर कुकर में, साथ ही जो है इसमें चिकन डाल देती हूँ, तो अब इसमें आलू डाल देती हूँ, साथ ही मैंने मटर भी डाल दी इसमें।
हम दो बैठे, तुम एक जो। आलू जो अच्छी तरह से भून गए, इसमें पानी डाल देती हूँ। बस करो, अभी आलू ने पकने हैं ना। तो अब मैं इस प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी, तो 5 मिनट में जो ना आलू गल जाएंगे। तो आधा धनिया ना मैंने अभी डाल दिया, तो आधा जो ना वो बाद में डाल दूंगी। तो लाइट जो है ना अभी तक नहीं आई, तो प्रेशर कुकर जो है ना सालन उधर रख दिया, साथ साथ जो है रोटियाँ बना रही हूँ। तो लाइट आ गई है और रोटियाँ भी बन गई हैं मेरी। खोलो इसको, मैं खोलो। बहुत अच्छी खुशबू आई है। गल गए, शक्ल से पता चल जाता है कि ना आलू गल गए। अजान हो रही है तो पहले अजान सुन लेते हैं। चलो ठीक है। किसमें डालना? इधर ही बैठ के खाना खा रही हूँ ना। विशाल और सैनब जो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। विशाल आपको और चाहिए कुछ? पानी। सैनब कैसा बना? बहुत जबरदस्त। विशाल कैसा बना सैनब? बहुत टेस्टी। चलो विशाल आप भी। चलो सैनब। चलो मुझे दे दो, तेरी रख। कितनी जैकेट पहनी? तीन। चलो अब ठंडी लगेगी। गुड नाइट। तो ये किरण भी जो है ना वो जा रही है कंबल लेके। चलो भाई, आज का दिन जो है ना वो बहुत ही सैड था, क्योंकि सुबह रोटियां बनाते बनाते सिलेंडर के नीचे से आग लगी। उस टाइम तो कम आग लगी थी, विशाल ने मुझे बताया कि ना मम्मा नीचे से आग लगी हुई, तो मैंने बस कहा कि 2-3 रोटी रह गई वो बना लो। तो रोटियाँ तो खैर मैंने बना ली, क्योंकि सिलेंडर जो है ना हमारा काफ़ी दिनों से ख़राब है, ऐसे ख़राब है, और ऊपर से भी जो है ना आग लग जाती है, और उसका स्टैंड भी जो है ना वो ख़राब था। और एक तो लकड़ियाँ नहीं थी ऊपर लगी, वैसे तो मैं रोज़ ही लकड़ियों पे तकरीबन रोटियाँ बनाती हूँ, और उसके बाद जो है ना गैस भी नहीं था। तो रोटियाँ तो खैर बना ली थी, 2-3 रह गई थी बनाने के लिए। उसके बाद जब मैंने चाय बनाने के लिए दोबारा से सिलेंडर चलाया, तो उसके अंदर से इतनी अचानक से ना ये एकदम इतनी ज़्यादा तेज़ आग फैली और इतनी ज़ोर का धमाका हुआ। तो शुक्र है कि सिलेंडर नहीं फटा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो घर पे थे, नाश्ता ही कर रहे थे, तो बस मैं उनके लिए चाय बनाने लगी थी, तो बस उन्होंने जल्दी जल्दी से आके सिलेंडर को ना बंद किया, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा आग भी बंद हुई। वरना अगर वो ना होते, और वैसे भी बच्चे जो है ना वो स्कूल गए थे, और इशाल और मैं ही अकेले थे, जो है ना इशाल भी उसके बाद बहुत ज़्यादा रोई के, क्योंकि मेरे बालों में ना हल्की हल्की थोड़ी सी आग भी लगी, तो इशाल भी बहुत ज़्यादा रोई। और उसके बाद मैंने उसको चुप करवाया बहुत मुश्किल से, फिर मेरे हस्बैंड ने उस सिलेंडर को बंद कर दिया, उसका कनेक्शन जो है ना वो दूसरे चूल्हे में लगा दिया। ये गाने जो है ना उन्होंने फिर से शुरू किया, रात के टाइम भी अब ये तो गाने लगा लेते हैं। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने दूसरे चूल्हे को सेट किया और उसको लगाया कि चलो अभी इसमें से आग निकलेगी, लेकिन वो उसमें से भी जो है ना वो उसका भी मसला है, क्योंकि वो नीचे से बर्तन सारे वगैरह काले हो रहे हैं। तो लेकिन उस वक्त तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो बस बच्चे वगैरह तो अब चले गए सोने के लिए, तो बस अब मैं भी जा के देखती हूँ वो अभी सोए कि नहीं सोए, क्योंकि सुबह फिर से उन्होंने स्कूल जाना है। तो एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा, तो इसके साथ ही फिर अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।